अपनी गाड़ी यहाँ पे लग गई है और देख सकते हैं आप लोकेशन क्या है, बेहतरीन लोकेशन है। तो हम लोग क्या करने आए हैं, क्या करने आए हैं? कैंपिंग करने आए हैं। तो हम लोगों ने ये लोकेशन डिसाइड की है यहाँ नीचे की, पापा ये सामने वहाँ पे हम लोग अपना टेंट लगाएंगे। तो फाइनली ये लोकेशन हम लोगों ने डिसाइड किया है और शिवराज को मिल गया यहाँ पे खजाना। क्या मिला शिवराज, दिखाओ। ओहो क्या बात, शिवराज को मिल गया ये और मैं बाज, खा ले रहा हूं। हाँ, बाज के बीज, ओक सीड्स, क्योंकि ये बाज का पेड़ है, ये बाज का पेड़ है, तो यहाँ पे पूरा जम बाज के बीज ही बीज हैं। ये देख सकते हैं आप, ये देखो, ये कितना बढ़िया है ना। अपना सेटअप हो गया है, देखिए कैसा लग रहा है। पापा देखो मैं कितना बहुत ही सिंपल सा टेंट लगाए हैं ताकि हम लोग को धूप से थोड़ी राहत मिलती रहे और शिवराज को खेलने के लिए भी हो जाएगा। तो अपना सिंपल सा टार्प शेल्टर लग गया है और इधर देखिए अपना पेड़ बढ़िया छांव दे रहा है। क्या ये बेहतरीन नज़ारा है। पहली बार तक हाँ ऐसे ही होता है बेटा। ये अपना चॉपिंग बोर्ड, पहले इसमें तुम पनीर काटो तो पनीर। अच्छा
ये ठंडी है क्या? वाओ पनीर, मुझे पनीर बहुत पसंद है। पता है? नहीं पता था मुझे। तुम्हें सब कुछ नहीं बताए थे क्या? तुम नहीं बताए थे ना? आज बनाने जा रहे हैं पनीर, चिली पनीर। ठीक है, बस मजेदार। तीन चिली पनीर बनेगी, उसके लिए पनीर ले लिए हैं। अब बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए सब पहले चॉपिंग कर लेते हैं थोड़ी। तो चॉपिंग कर लेते हैं, देखते हैं क्या क्या है अपने पास आइटम। प्याज, लहसुन, ये है अपना स्प्रिंग अनियन। ये क्या क्या क्या? मुझे रेड बहुत। अभी ऐसे नहीं खाते इसको। हाँ पापा, ये भी प्याज है क्या? हाँ, ये अभी व्हाइट क्यों है? सही होता है। थोड़ी मटर, तब तब मैं अपना तो फटाफट पहले मटर छील लेते हैं। पापा मैं भी मटर छील लो। जाता हूँ लो, छीलो छीलो। नज़ारे देखिए यहाँ पे, क्या ये बेहतरीन है। नीला आसमान, जबरदस्त एकदम। पापा मैं तुम्हारा मटर भी खाते जाऊँगा। बहुत दिनों बाद आज निकले हैं कैंपिंग करने के लिए। काफ़ी सुकून मिल रहा है। घर में तो इतनी ठंडी लगती है, बाहर बढ़िया है, अच्छा है। तुम्हें कैसा लग रहा है शिवराज? अच्छा लग रहा है। पापा, तो मटर खा जा रहे हो क्या? हाँ। खाने के लिए ला। अब चिली पनीर में डालेंगे। देखो बटरफ्लाई आ गई तुम्हारे पास। ठंडी में सारी घास सूख गई है, तो पहाड़ एकदम नीट एंड क्लियर हो गए हैं। नहीं नहीं मत कराओ, लग जाएगी। ये सब सब्जियों के छिलके जो होते हैं, इनको अगर जंगल में हम फेंक दें तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि ये थोड़ी देर में ही जल के ख़त्म हो जाते हैं, खाद बन जाते हैं। बस जो नॉन डिकम्पोजिबल अपना वेस्ट होता है उसे नहीं फेंकना चाहिए कहीं पर भी। छिलके कैसे खाद बन जाते हैं? जल जाता है ना बेटा, जब बहुत दिन हो जाता है तो बरसात धूप से वो जो है धीरे धीरे गल के सड़ जाता है, फिर वो मिट्टी में मिल जाता है। वो मिट्टी को पोषण देता है ना। जो भी उसके अंदर विटामिन होते हैं ना, किसके अंदर? छिलके में। तो वो सारे मिट्टी में मिल जाते हैं। तो फिर प्लांट, जब मिट्टी में प्लांट लगाते हैं हम लोग, तो मिट्टी प्लांट को पोषण देती है, उससे एनर्जी लेता है प्लांट। ये देखिए टमाटर, मटर, प्याज कट गई, लहसुन छिल गया, ये स्प्रिंग अनियन है, इसे बाद में काटेंगे। अब चलते हैं पनीर को काट लेते हैं। तो पनीर के ऐसे चौकोर चौकोर स्क्वायर शेप में से कट कर लेता हूँ। जब स्क्वायर से कर लोगे तो दे दूँगा। हाँ तुम्हें दे दूँगा। तो ये अपना पनीर कट गया है। मुझे टमाटर ना बहुत पसंद है। अच्छा जी,
बड़े बड़े पीस काट लेता हूँ टमाटर के। चिली पनीर में थोड़े बड़े बड़े टुकड़े ही अच्छे लगते हैं खाने में। खाना जूस है शिवराज, तुम्हारी तो आज लॉटरी निकल गई, मस्ती कर रहे हो। टमाटर में ये जूस उतारा, स्ट्रॉबेरी में स्ट्रॉबेरी में भी रेड जूस होता है। स्ट्रॉबेरी का जूस बनाते हैं और बर्तन में रंग भी ना। ये अपना टेंट, बताइए कैसा लग रहा है? बेहतरीन एकदम। हवा बहुत तेज चल रही है जिसकी वजह से इसको हम लोगों ने थोड़ा सा अंदर कर लिया है, फिर भी हवा लगी रही है। पैन थोड़ा गर्म हो गया है, अब इसमें डाल देता हूँ तेल फटाफट। ये लो। अबे बदमाश हो गए हो। तेल गर्म हो गया, अब इसमें पनीर डाल देते हैं। हवा इतनी ज़्यादा चल रही है इसकी वजह से आँच नहीं लग रही अच्छे से। एक विंडशील्ड भी लेना ही पड़ेगा इस बार लग रहा है। हवा इतनी तेज चल रही कि स्वस्थ नहीं। थोड़ी सी हवा कम हुई है तो पनीर बढ़िया फ्राई हो रही है। अभी ये देखिए अपना पनीर कितना बढ़िया गोल्डन हो गया है, मज़ा आ गया एकदम। लाजवाब पनीर। पापा, ये पहाड़ को बड़े 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 कौन बनाया है? ये पहाड़ को प्रकृति ने बड़ा बनाया है। कहाँ है प्रकृति? ये जो नेचर है ना बेटा, नेचर को प्रकृति बोलते हैं, ठीक है? जो मिट्टी है, मिट्टी, धरती, पेड़ पौधे, नदियाँ, ना, पशु पक्षी, सारे जानवर, इंसान, ये हम सब लोग प्रकृति के हिस्सा हैं, ठीक है? वो सब बनाए हैं, बड़ा 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 प्रकृति ने हम सबको बनाया है, ठीक है? प्रकृति हमारी देखभाल करती है, हम लोग को खाने को देती है, पीने को देती है, पहनने को, ओढ़ने को, सब कुछ प्रकृति ही देती है। और नहाने को? नहाने को पानी प्रकृति ही तो देती है, नदियों से पानी आता है। पापा सुनो तो, और प्रकृति मारा जूता भी बनाया है प्रकृति। जूता प्रकृति ने नहीं बनाया है, जो जूता बनाने की सामान है ना वो प्रकृति से मिलता है, ठीक है? फिर इंसान अपने दिमाग लगा करके उससे जूता बनाता है, ठीक है? कोई भी चीज़ जैसे ये गैस है ना, कुछ भी है, तो सब चीज़ हमें प्रकृति से ही मिलती है, बस उसको बनाते हैं हम लोग अपने हाथ से हैं, ठीक है? पापा, अब देखो जैसे पेड़ है, पेड़ से क्या हुआ, जब पेड़ बड़ा हो गया, पुराना हो गया, तो उससे लकड़ी मिलती है, ठीक? उस लकड़ी को काट करके हम लोग उससे कुर्सी बनाते हैं, मेज बनाते हैं, घर बनाते हैं, है ना? सारी चीज़ें हमें प्रकृति से ही मिलती हैं। पापा, ये जो पेड़ बड़े हो गए हैं वो पुराने होके बहुत बड़े हो गए हैं। हाँ देखो, सब पुराने पुराने पेड़ हैं ना, इसलिए वो कितने बड़े बड़े हैं। और जो छोटे छोटे जे जे
ये भी छोटे हैं, धीरे धीरे ये भी बड़े होंगे, समझे? तुम भी देखो छोटे हो, धीरे धीरे तुम भी बड़े हो जाओगे। ये देखिए अपना पनीर फ्राई हो गया, इसको निकाल लिए हैं, बहुत ही बेहतरीन एकदम क्रिस्पी फ्राई हुआ है। आज मैं जो पनीर बनाने वाला हूँ वो बनेगा इससे, चिली पनीर मसाला इससे बनाएंगे। तो इसको पहले पानी में घोल लेते हैं। इसको बनाने का तरीका तो इस पर यही लिखा है, 2 कप पानी में इसको पहले मिक्स कर लें। तो ये बाउल में मैंने ले लिया 2 कप पानी, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। डालो, ये प्याज लहसुन और मटर मैंने डाल दिया है। अब इसमें टमाटर भी डाल देता हूँ। दो मिनट इसको थोड़ा सा फ्राई कर लेते हैं हल्का सा, बस फिर इसके बाद इसमें डलेगा अपना मसाला। हाँ। 2 मिनट हो गए इसको फ्राई होते हुए सब्जियों को, अब इसमें ये मसाला ऐड कर देते हैं। अब सब्जियों को पकने दो थोड़ा, अरे थोड़ा पानी को बॉयल हो जाने देते हैं। तो देखिए अपना ग्रेवी बढ़िया बॉयल हो रही है, क्या ही मस्त लग रहा है देखने में। अब इस टाइम हम लोग इसमें पनीर ऐड कर देते हैं फटाफट। अभी बेटा इसमें मैंने मिर्च नहीं डाली है, ठीक है? तो तुम खा सकते हो इसको, ठीक है? मैं तुम्हारे लिए निकालने के बाद तब इसमें मिर्च डालूँगा, ठीक? पनीर ऐड हो गया है, इसको थोड़ी देर बॉयल कर लेंगे। वैसे तो जो इसका मिक्सचर है उस पर मेंशन्ड है कि इसमें नमक डालने की ज़रूरत नहीं है, एक बार मैं टेस्ट कर लूँगा, अगर मुझे ज़रूरत होगी तो मैं डाल लूँगा, क्योंकि मैं थोड़ा ज़्यादा नमक खाता हूँ। तो अब ये अपना तैयार हो गया है पनीर, अब इसमें ऐड कर देते हैं स्प्रिंग अनियन। क्या बात है, लाजवाब। अब बस इसको मुश्किल से 1 मिनट से भी कम थोड़ा सा इसको बस और पकने देंगे, ताकि जो स्प्रिंग अनियन है वो हल्का सा सॉफ्ट हो जाए। इस तरीके से चिली पनीर मैं भी पहली बार बना रहा हूँ, काफ़ी बढ़िया लग रहा है। बनाना काफ़ी आसान है इसको, इस तरीके से कोई मसाले कोई सॉसेज कुछ भी रखने की ज़रूरत नहीं है, बस एक पैकेट लेके आओ और आराम से बन जाता है। कैंपिंग के पर्पज़ से बढ़िया है। तो ये देखिए अपनी प्लेटिंग हो गई है, और बेहतरीन अपना चिली पनीर दिख रहा है। शिवराज को लगी है भूख, अब शिवराज फटाफट इसको खाएगा। लो बेटा पकड़ो पापा, हाँ खाओ और बताओ कैसा लग रहा है। जल रहा है। मस्त एकदम, बहुत ही लाजवाब पनीर बनी है। तो हम लोग खाते हैं, एंजॉय करते हैं, कुछ देर यहाँ रुकेंगे, थोड़ी देर लेटेंगे, धूप लेंगे, आराम करेंगे, शिवराज थोड़ा खेलेगा, फिर उसके बाद प्रस्थान करेंगे घर को। तो आप लोग भी ऐसे पहाड़ों वादियों में निकलिए,
कुछ देर समय बिताइए। अगर आप पहाड़ पे नहीं हैं, शहर में हैं, तब भी नियर बाई 10-20-50 किलोमीटर में कहीं ना कहीं कोई शांत जगह आपको मिल जाएगी, वहाँ पे जाइए, समय बिताइए थोड़ा बच्चों के साथ। ठंडी की छुट्टियाँ भी हो रही होंगी, लेके जाइए उन्हें, प्रकृति के साथ थोड़ा जुड़ाव महसूस करेंगे, अच्छा लगेगा उन्हें। लो बेटा टेस्ट करो। कैसा है? तीखा है। तीखा तो नहीं है। तुम्हारे में मैंने मिर्च डाली ही नहीं है। चलो से पानी पी ले ना। पानी दूँ? तीखा है नहीं वैसे, जो मसाला था ना उसकी वजह से हल्का सा होगा। अब मैं पानी देता हूँ। शिवराज बिल्कुल भी तीखा नहीं खाता है। वैसे अच्छा लग रहा है, टेस्टी है। लो पानी पी पी के खा जाना, पूरा फिनिश करना है तुम्हें। शिवराज को कैंपिंग करना इस तरह बाहर बहुत ज़्यादा पसंद है। उसको घर के खिलौने जो होते हैं ना वैसे, वो उतने ज़्यादा नहीं पसंद जितना कि मिट्टी में खेलना, घास फूस, गड्ढा खोदो, लकड़ी तोड़ो, इकट्ठा करो, बीज इकट्ठा करो, इन सब में ज़्यादा मज़ा आता है उसे। यम्मी यम्मी चूर। बहुत नौटंकी है। तो फिर मिलते हैं, किसी नई वीडियो में, किसी नई कहानी के साथ, और जानवर के साथ। जानवर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे। उम्मीद है आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक बार एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। शाम हो गई है, अब हम लोग चल रहे हैं वापस। ये देखिए बैग पैक हो गया है अपना, बैग अपना पैक हो गया है, अब जैकेट वकेट ले लेते हैं और निकलते हैं यहाँ से। शिवराज चलो बेटा, बहुत हो गई साफ़ सफाई, चलो 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 आ जाओ। चलो शाम हो गई, माँ याद कर रही होगी ना। बस करो बस करो बस करो। पापा मैं उसको घर लेके जाऊंगा। क्या करोगे उसका? जब कहीं गंदा होगा उससे साफ करूंगा। अच्छा, और माँ नहीं साफ करेगी। ठीक है ठीक है।